सिया को मजबूर करके समर्थ ने अपने कमरे में सोने के लिए मना लिया था, पर दोनों में अभी भी दूरी थी। दूसरी ओर सत्या ने पूर्णा को ढूंढ लिया था। वो एक कबीले वालों के पास थी। कबीले वाले उसके बलि देने वाले थे। उसे बचाने के चक्कर में सत्या भी उनके पास फंस गया। उन लोगों की इस हरकत को देखकर सत्या को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली और जैसे ही वो उनकी ओर बढ़ा, उन लोगों ने अपने पीछे छुपे तेज धार वाले हथियार निकाल दिए, जिसे देखकर कबीले के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, सावधानी से इसे पकड़कर यहां लाओ। सत्या उनको रोकता उससे पहले ही कुछ आदमियों ने उसे पीछे से गले में रस्सी डालकर पकड़ लिया। ऐसे ही बाकी लोगों ने किया और उन सब ने उसको बांध दिया और जबरदस्ती पकड़कर बलि के लिए हवन कुंड के पास ले आए। पूर्णा और सत्या दोनों को अपने साथ साथ एक दूसरे की भी चिंता होने लगी। सत्या ने पूर्णा को देखते हुए कहा, सॉरी पहलवान, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। जब पूर्णा ने सत्या की बात सुनी तो उसे उसकी बात से एहसास हुआ कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो वो भी अपनी गलती मानते हुए बोली, मेरी ओर से भी सॉरी सत्या, गलती मेरी है। मैं अगर तुम्हें नहीं मारती तो आज हम यहाँ नहीं होते। दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन दोनों के पास अब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और वो दोनों प्रार्थना कर रहे थे। कबीले का सरदार उन दोनों की बलि की बाकी बची तैयारियां करवा रहा था। उसकी मदद कबीले का पंडित कर रहा था। सरदार ने पंडित से सवाल किया, सब तैयारी हो गई क्या? कुछ भी भूल नहीं होनी चाहिए इस पूजा में। अचानक से पंडित को पूर्णा और सत्या को देखकर कुछ याद आया तो उनके पास आकर बोला, तुम दोनों में से कोई शादीशुदा तो नहीं है? शादीशुदा का मतलब? सत्य और पूर्णा कोई जवाब देते उससे पहले ही सरदार ने कहा। पंडित ने उसे जवाब देते हुए कहा, सरदार, अगर इन दोनों में से कोई भी शादीशुदा हुआ तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती। ये बात सुनकर सत्या के दिमाग में एक योजना आई और वो झट से बोला, ये मारी लुगाई है और हम दोनों शादीशुदा हैं। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। सब सत्या की ओर देखने लगे। पूर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो सत्या? सरदार ने सत्या की बात सुनकर उसके पास आकर कहा, तुम बलि से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि इस लड़की को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये शादीशुदा है। पूर्णा ने इस समय लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी, जिस वजह से उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो शादीशुदा नहीं है। सत्या ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, आजकल की छोरियों का पता ही नहीं चलता कि कौन सी शादीशुदा है और कौन सी कुंवारी है, कि कभी कबीले से बाहर नहीं गए हो। अगर गए होते तो थारे को इस बारे में पता होता। मारी लुगाई पहलवान है, इसको आदत नहीं है शादीशुदा लुगाइयों की तरह रहने की। बोलते बोलते उसने पूर्णा को चुप रहने का इशारा कर दिया था। उसकी बात सुनकर पूर्णा को गुस्सा आ रहा था, पर वहां के हालात देखकर वो चुप थी। सत्या की बात सुनकर पंडित ने सरदार से कहा, अगर ये लोग शादीशुदा है तो सरदार इनकी बलि नहीं दी जा सकती। पंडित की बात सुनकर सत्या और पूर्णा को शांति मिली और सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इन दोनों को छोड़ दो। सरदार के कहने पर उसके आदमियों ने उन दोनों को छोड़ दिया। वो दोनों कबीले से निकल गए। कबीले से बाहर आए तो पूर्णा सत्या के सामने खड़ी हो गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, सत्या, ये तुम क्या बोल रहे थे कबीले वालों से? तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? वो झूठ बने हम दोनों की जान बचाने के लिए बोला था, सत्या ने जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पूर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, पर उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हम दोनों पति पत्नी हैं। तो इतना क्यों घबरा रही है पहलवान? झूठ बोला है, कौन सा सच में हम दोनों की शादी हो गई और हम दोनों पति पत्नी बन गए? इतना बोलकर सत्या ने उसे साइड किया और रेत के टीलों की तरफ बढ़ गया। उसकी बात सुनकर पूर्णा कुछ देर सोच में पड़ गई और फिर उसका ध्यान सत्या की ओर गया तो वो भागकर उसके पीछे गई और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वैसे अब आधी रात को हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं, कुछ सोचा है? उसकी बात का जवाब दिए बिना ही सत्या एक टीले पर जाकर बैठ गया। पूर्णा उसके पास आई और बोली, तुम यहाँ क्यों बैठ गए? क्या तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है? सत्या ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जाना है, पर आधी रात को इस अंधेरे में कहाँ जाएंगे? ऊपर से हमारी जीप भी खराब है,
इस वास्ते आज रात हम दोनों को यही रुकना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, यहाँ से कबीला भी दूर है और हमारी जीप भी। इस वक्त हमारे लिए यही सही जगह है। उसकी बात सुनकर पूर्णा लाचार होकर उसके पास बैठ गई। सत्या ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मने माफ करना, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। वो सामने से बोली, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, तुम भी मुझे माफ कर दो। सत्या वही रेत पर लेटते हुए बोला, चल अब बातें बंद कर, सो जा, आज तो इसी रेत को बिस्तर मानकर रात गुजारनी पड़ेगी। पूर्णा उसकी बात के बारे में सोच रही थी। सत्या ने उसे खोया हुआ देखकर सवाल किया, के हुआ पहलवान, के सोच रही हो, के बिस्तर पसंद नहीं आया थारे को? उसके बाद सुनकर पूर्णा उसकी ओर देखने लगी तो वो मजाकिया लहजे में आगे बोला, के करूं पहलवान, बिस्तर पर घनी धूल मिट्टी है, थारे हटाने से हटेगी नहीं। उसकी ऐसी अटपटी बात सुनकर पूर्णा हंसने लगी। उसको हंसते हुए देखकर सत्या झट से उठा और मुंह बनाते हुए बोला, थारे को हंसना भी आवे है पहलवान, मने तो लगा था कि थारे को सिर्फ गुस्सा करना ही आवे है। उसके बाद सुनकर पूर्णा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकते हो? ऐसी बातें करके हमेशा मेरा दिमाग खराब कर देते हो। मेरा थोड़ा सा मूड ठीक हुआ और तुमने फिर से बिगाड़ दिया। अच्छा सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अब सो जाओ, कल सुबह थारे को मैच खेलने भी जाना है, सत्या ने कान पकड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पूर्णा मुस्कुराई और रेत पर लेट गई। उसके बगल में ही कुछ दूरी पर सत्या भी लेट गया। तकिए के बिना पूर्णा सो नहीं पा रही थी। उसे देखकर सत्या ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ए पहलवान, अगर थारे को ठीक लगे तो आज की रात ठाकुर सत्या के मजबूत हाथ को अपना तकिया बना सकती हो। उसकी बात सुनकर उसने एक नजर उसे घूरते हुए देखा और फिर वार्निंग देते हुए बोली, छोरा नींद में मेरा फायदा उठाया ना तो यही रेत में गाड़ दूंगी तुम्हें, समझे? इतना बोलकर पूर्णा ने उसके हाथ को तकिए की तरह खींचकर अपने सिर के नीचे रखकर आंखें बंद कर ली। अरे ये क्या कर रही हो, ये हमारा हाथ है, सत्या ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात का जवाब देते हुए पूर्णा ने कहा, मैं अपने तकिए को ऐसे ही खींचती हूँ, अब चुपचाप सो जाओ। उसकी बात सुनकर सत्या ने मन में कहा, इससे प्यार से बात करना ही पाप है। ऐसे मन में पूर्णा पर कुड़ते हुए सत्या भी सो गया। राठौड़ हवेली में सुबह के 4 बजे थे, तभी सिया की आंख खुली। उसने करवट लेकर समर्थ की ओर देखा तो वो अभी भी सो रहा था। उसे सोता हुआ देखकर वो मन में खुद से बोली, ये मुझे चतुरी बोलते हैं पर ये खुद बहुत चतुर इंसान है। ये सब छोड़ो, मुझे आज बहुत काम करना है। वो उठी और अपने कमरे में चली गई। यहाँ उसके कपड़े रखे हुए थे। उसने करण से अपने लिए जयपुर से कुछ कपड़े और सामान मंगवाया था। उसका बैग वही पड़ा हुआ था। उसने बैग से अपने लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। दूसरी ओर समर्थ की भी आंख खुल गई थी। उसने सीधे सिया वाली जगह की तरफ देखा तो वहां पर वो नहीं थी। उसको वहां ना पाकर समर्थ परेशान हो गया। वो खुद से ही बोला, ये चतुरी इतनी सुबह सुबह कट्ठे चली गई। वो उसे कमरे में ढूंढने लगा। उसे सिया कमरे में कहीं भी नहीं मिली। उसने मन में कहा, कट्ठे अपने कमरे में तो नहीं गई। ये सोचकर वो उसके कमरे में गया। सिया के कमरे में एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। उस लड़की ने व्हाइट स्ट्रैपलेस शॉर्ट क्रॉप टॉप के साथ ब्लू रैपिड जीन्स और व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर न्यूड मेकअप था। उसके शॉर्ट क्रॉप टॉप के कारण उसकी कमर दिखाई दे रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। उस लड़की ने मन में कहा, जल्दी करनी होगी मुझे इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। वो ऐसे ही मन में खुद से बातें कर रही थी। वो इस बात से अनजान कि कोई था जो दबे पांव उसके कमरे में आ गया था। उसके पीछे से कोई उसकी ओर कदम बढ़ाए जा रहा था। उस शख्स की नजर उस लड़की की कमर पर जमी हुई थी। वो बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उस लड़की को जैसे ही अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई तो वो झट से मुड़ी। कौन है? ये बोलकर वो झट से पीछे पलटी तो उसके अचानक ऐसे पलटने से वो उस शख्स से टकरा गई। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों पास में बेड पर गिर गए। गलती से दोनों के होंठ जुड़ चुके थे। वो लड़की उस शख्स के ऊपर थी
और उसके होंठ उस शख्स के होठों को छू रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि सिया और समर्थ ही थे। सिया समर्थ को आंखें बड़ी करके देख रही थी। इस एक्सीडेंटल किस से समर्थ ने खुश होकर मन में कहा, मैं इस एहसास के लिए कितने दिन से तड़प रहा था। उसने सिया की कमर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी इस हरकत को देखकर सिया ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक्सीडेंटली हुआ है, इसको सीरियस मत लीजिए। वो उससे दूर होकर खड़ी हो गई। समर्थ का ध्यान उसकी बात पर नहीं बल्कि उसके कपड़ों पर था। वो उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देख रहा था। उसे ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर सिया ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? उसके चुटकी से समर्थ ने उसकी ओर देखा और सर्द लहजे में सवाल किया, ये क्या पहन रखा है तूने? उसके बाद सुनकर सिया ने एक नजर अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जवाब दिया, कपड़े पहने हैं और क्या? ये कपड़े हैं या चीथड़े? थारे पास इतने अच्छे अच्छे राजस्थानी घाघरे चोली हैं, उन सबको छोड़कर तूने ये सब क्यों पहना है? समर्थ ने मुंह बनाते हुए सिया से सवाल किया। सिया ने उसकी बात सुनकर झल्लाकर जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसे कपड़े पहनती थी। उसकी बात सुनकर वो भी झल्लाकर बोला, अब थारा घर ये है और अट्ठे थारे को वैसे ही कपड़े पहनने होंगे जैसे तू पहले पहना करती थी। और थारे को बोला था कि अपनी कमर ढककर रखा करो, फिर भी तू ऐसे कपड़े पहनकर अपनी कमर दिखा रही है। उसकी बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, पहले मैं आपकी पत्नी बनकर रह रही थी इसलिए घाघरा पहनती थी, पर अब मैं यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए रिश्ता निभा रही हूँ। और आज आप मेरा मूड खराब मत कीजिए, मुझे किसी काम से मार्केट जाना है। उसकी बात सुनकर समर्थ को गुस्सा चढ़ गया। उसने कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। समर्थ ने उसे धमकी देते हुए कहा, मैंने थारे को एक बार बोला ना कि तू ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी और तू ऐसे कपड़े पहनकर बाजार जाना चाहती है। थारे को लगता है कि मैं थारे को जाने दूंगा? क्या सुधर रहा है पूर्णा और सत्या का रिश्ता? क्या समर्थ सिया को रोक पाएगा जाने से? क्या समर्थ का सिया पर अपना फैसला थोपना उनके रिश्ते में लाएगा और ज्यादा दूरी? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।